अलीगढ़ उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से राशन चावल की हो रही कालाबाजारी। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी, अलीगढ़ के धनीपुर मंडी में राशन का चावल पकड़ा गया। मंडी के अधिकारी सचिन ने बताया कि रात गश्त पर डा राशन चावल की गाड़ी उप 81 CT 4208 जिसमें राशन का चावल 170 कुंटल लगभग पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार यह चावल सुबोध बंसल और हरिओम गुप्ता का पकड़ा गया है। किसी मीडिया कर्मी और SDM ने पिछली बार भी मंडी समिति में हरिओम गुप्ता की गाड़ी पकड़ी थी, वह भी उच्च अधिकारियों की मिलीभगत ऐसे ही छोड़ दी गयी। कुछ अन्य लोगों ऐसे ही जानकारी मिली है। अब सर धनीपुर मंडी के चावल के गेट पास जारी हो रहे था, अब 20 दिन ऐसे ही गेट पास जारी नहीं हो रहे हैं। कुछ व्यापारी का कहना है कि थोक वह फुटकर व्यापारी चावल लेकर आते हैं तो उन्हें वापस कर दिया जाता है। अब ऐसे ही 20 दिन पहले उन थोक फुटकर प्रवेश पर्ची जारी, व्यापारी सिकसार ऐसे ही चावल बेच देते हैं और फर्म के मांगे जाने पर फर्म का गेट पास जारी होता है। अब गेट पास जारी क्यों नहीं हो रहे हैं, अब राजस्व की हानि हो रही है, इसमें सरकार का फायदा हो रहा है या मंडी के उच्च अधिकारियों का? मीडिया कर्मी का फोन गया था, कह रहे हैं एसडीएम साहब के पास जी। कल हमारे मंडी समिति अलीगढ़ के सचल दल ने गाड़ी पकड़ी चावल की जी, जो आपके सामने यहाँ कंटर खड़ी हुई है जी। इसमें चावल लोड बताया जा रहा है जी। कल शाम तक इसके कोई भी मौके पर आदमी नहीं आया था। आज सुबह हरिओम गुप्ता नाम के एक आदमी शख्स ने इसकी अपनी कहा कि ये माल मेरा है जी, इसमें 170 कुंटल चावल लोड है जिस पर कानूनी कार्रवाई की गई है। जिसमें हमारा मंडी शुल्क बैठता है उसका 10 गुना जुर्माना, उसकी रसीद काटी गई है। इसकी रसीद लगभग 1,03,500 के आसपास इसकी रसीद कटी हुई है। उसके बाद में अभी ये खड़ी हुई है, उसके बाद शाम को यहाँ से रिलीज हुई है।